अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को गेहूं के आटे से आलू के पराठे बनाना बताऊंगी। मैंने पहले भी अपने चैनल पे आलू के पराठे बनाना बताई थी, बट वो मैदे के थे और मैंने वो फिलिंग मतलब मैंने आटे को जैसे हम बेलते हैं उसके अंदर जो फिलिंग भरते हैं वैसे बनाना बताई थी। कितने लोगों को नहीं आता है क्योंकि फिलिंग भर के जब वो लोग बेलते हैं तो उन लोगों का जो फिलिंग होती है वो बाहर आ जाती है या तो फिर आटा पूरा निकल आता है बाहर। लेकिन अम्मा जी आज आपको इस तरीके से बताएंगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आलू का पराठा बनाने में। आपके जो आटा है वो बिल्कुल फटेगा नहीं और फिलिंग बाहर नहीं आएगी। अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। मैंने लिया है 1/4 किलो गेहूं का आटा, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून जितना मैंने अदरक लिया है, एकदम बारीक काट लिया है मैंने दोनों को। मैंने एक छोटा बाउल वटाने लिया है, मतलब मटर, हरे मटर। एक बाउल मैंने लिया है प्याज कटी हुई, एक बाउल मैंने लिया है कोथमीर बारीक कटी हुई। मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर, ये मैंने लिया है घी। ये आपको लग रहा होगा कि ये तेल है लेकिन ये पिघला हुआ घी है। हम इसे गूंदने के टाइम पर आटा, जब हम आटा गूंदेंगे तब हम इसे डालेंगे, उससे आटा हमारा सॉफ्ट होता है। 1 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक। मैंने ये दूध लिया है, इससे भी आटा हमारा सॉफ्ट होता है। मैंने एक बाउल दूध लिया है। लिया है बेकिंग सोडा, मैं इसे 1 टीस्पून डालूंगी। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अब आ चुके हैं, अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। हमें सारे पोटैटोज, हमने बॉइल पोटैटोज लिए थे, मैं आपको बोलना भूल गई थी, हमने पोटैटो को बॉइल कर लिया था नमक डाल के। और हमें वो बॉईल हो जाएंगे, मतलब जैसे सॉफ्ट हो जाएंगे, हम निकाल लेंगे, उसे ठंडा होने देंगे और हम इसे ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर से। हमें ऐसे उसे ग्रेट कर लेना है। मैंने सारे पोटैटोज ग्रेट कर लिए हैं, मैश हो गए हैं। अब मैं इसमें 1/4 किलो गेहूं का आटा डालूंगी। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर डाल दूंगी, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, कुछ कटे हुए अदरक, 3 से 4 कटी हुई मिर्ची, स्वादानुसार नमक, 1 बाउल कटी हुई प्याज डाल दूंगी मैं, 1 बाउल कोथमीर डाल रही हूँ मैं, थोड़े हरे मटर लिए थे वो मैंने डाल दिए हैं इसमें। अब मैं इसमें 6 टेबल स्पून हमारा जो पिघला हुआ घी है वो डाल दूंगी। मैंने पहले भी कहा था इससे हमारे जो पराठे हैं, आटा है, बहुत ही सॉफ्ट होगा। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा डाल दूंगी। पहले मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लूंगी, क्योंकि अंदर हमने जो बटाटे लिए थे उसकी वजह से हम पहले पानी नहीं डालेंगे, हम पूरे आटा और बटाटे को एक कर लेंगे, सारे जो मसाले डाले थे। उसके बाद हम नॉर्मली जैसे आटा गूंदते हैं वैसे गूंदेंगे। मैंने सारी चीज़ें एक कर दी है। अब मैं इसमें दूध डालूंगी, हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मैं आटे को दूध से गूंद रही हूँ क्योंकि हमारे जो रोटी है, हमारा जो पराठा है, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अगर आप चाहे तो आप पानी से भी इसे गूंद सकते हैं, जैसे नॉर्मली गूंदते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को गूंद लें, या थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम अच्छे से आटे को गूंद लें। गूंदने के बाद मैं आपको बता दूंगी कि हमारा आटा कैसे लगता है। देखिए, हमारा आटा अब अच्छे से गूंद गया है, एक डो बन गया है। हमें ऊपर से 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालना है ताकि हमारे आटे में चिकनाहट आ जाए, और फिर से हमें थोड़ा सा उसे गूंद लेना है। ये देखिए, अब हमारा आटा एक रोटी के, हम जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदे गया है। अब हम इसे ढक देंगे, ये देखिए ऐसे नरम हुआ है। हम अब हम इसे ढक कर 15 से 20 मिनट तक या आधे घंटे तक हम इसे एक कॉटन के कपड़े से हम इसे ढक देंगे और आधे घंटे तक सेट होने देंगे। ये देखिए, हमारा जो आटा है, डो है, वो अच्छे से सेट हो गया है आधे घंटे में। मैंने एक आटे का बॉल ले लिया है, हमें थोड़ा बड़ा बॉल लेना है आटे का। हमें अच्छे से उसे रोल करना है, हमें उसे गोल राउंड शेप में करना है। और इसे हमें जो गेहूं का जो आटा होता है उसमें हमें इसे डिप करना है, अच्छे से पूरा कोट कर लेना है हमें आटे से। और अब हम नॉर्मल रोटी जैसे बेलते हैं वैसे हम इसे बेल देंगे, अच्छे से हम इसे बेल देंगे। अब मैं इसमें
अंदर थोड़ा हमें छोटा एक रोल, एक बेलना है, उसमें घी लगाना है, एक फोल्ड करना है हमें, फिर ये चौथा फोल्ड हमें करना है, हमें एक ट्रायंगल शेप देना है, आटे में डिप करना है हमें अच्छे से, और फिर से हमें इसे एक गोल रोटी बना देनी है। पहले हमें एक स्मॉल साइज रोटी बेलनी है गोल, उसके अंदर हम घी फिल करेंगे आधा टीस्पून जितना, फिर हम उसे चार फोल्ड कर देंगे, एक ट्राइंगल शेप बना देंगे और हम इसे अब बेल देंगे। मैंने एक तवा गरम कर लिया है, मैंने एक फ्राइंग पैन गरम कर लिया है। फ्राइंग पैन गरम हो गया था, मैंने उसमें हमारा जो पराठा है वो डाल दिया, उसके ऊपर से इसे हमें तेल में सेक लेना है, हमें घी यूज़ नहीं करना है क्योंकि गूंदने के टाइम पर फिलिंग के लिए हमने तेल घी यूज़ किया था, अब हम तेल यूज़ करेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। ये देखिए मैंने इसे टर्न कर दिया है, फ्लिप कर दिया है, अब मैं साइड में ऊपर से थोड़ा थोड़ा साइड में तेल डालूंगी ताकि हमारा जो पराठा है वो अच्छे से सेके जाए। हमें इसे हल्का ब्राउन होने तक, मतलब हमारे जो आटे का कच्चापन है वो निकलने तक हमें इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर सेक लेना है। देखिए दूसरा भी हम ऐसे ही आटा लेंगे एक बड़ा, उसमें हम रोल बनाएंगे, उसे गोल बनाएंगे, उसके अंदर बीच में हम घी को डालेंगे, एक फोल्ड करेंगे, दूसरा फोल्ड करेंगे, ट्राइंगल शेप देंगे, आटे में डिप करेंगे और उसे वैसे ही जैसे हमने एक पहला पराठा बनाया था वैसे हम बना लेंगे, उसे गोल बेल लेंगे, रोल कर देंगे हम उसे। ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी अब अच्छे से बेले गया है। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, कोई भी फिलिंग बाहर आने का टेंशन ही नहीं है, ये अंदर ही फिलिंग है, आराम से अंदर बेले भी गया है, आपको अलग सा टेस्ट भी आएगा। फिलिंग जब भरते हैं तो कितनी बार ज़्यादा हो जाती है, कितनी बार कम हो जाती है, बट इसमें कोई टेंशन नहीं है, आसानी से बन जाता है एक होके, और बाहर भी नहीं निकल रहा है कुछ भी। हमारा जो पहला पराठा है वो अच्छे से सेके गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसे निकाल दूंगी और दूसरा पराठा सेम हमें ऐसे ही बनाना है, और जैसे ही ये हमारे पराठे बन जाएंगे मैं उसे सर्व कर दूंगी। हमारा आलू और गेहूं के आटे का पराठा सर्व हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी है, और ये देखिए अम्मा जी आपको तोड़ कर बता रही हैं। देखिए अम्मा जी ने इसे तोड़ दिया है, आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि कितना सॉफ्ट होता है ये पराठा, और आप इसे रायता और मीठी इमली की चटनी के साथ खा सकते हैं। अम्मा जी ने दोनों बनाकर सर्व कर दिए हैं, बहुत ही टेस्टी है, और आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइकन पे ज़रूर क्लिक करें और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। अल्लाह हाफिज़।